So y is a negative number such that y equals खतरनाक सी इक्वेशन लिखी है, हमें बताना है y की वैल्यू क्या है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। लॉग के क्वेश्चंस ऑनेस्टली बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, ठीक है। इसमें सिंपल है कि हम दोनों साइड क्या करें, लॉग ले लें, साइड भी लॉग ले लो, इस साइड भी लॉग ले लो, दोनों साइड लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब अगर हम लॉग लेते हैं, अगर आप लॉग के बेसिक रूल्स जानते हो तो ये इसकी पावर है टू की, ये आगे आ जाए। अगर किसी को पता है कि log x to the base a जो होता है उसमें ये पावर आगे आ जाती है, यानी ये a log x बन जाता है। इन दिस केस ये पूरी पावर है ये आगे आ जाएगी, और ये पूरी पावर है ये आगे आ जाएगी। सो व्हाट वी कैन राइट इज इट इज पाई स्क्वायर log 5 to the base 3 log 2 इनटू में, दिस शुड बी इक्वल टू, इसको आगे ले आइए, this will be log 3 to the base 2 into log 5. अब इन दोनों को और सिंपलीफाई कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको ये बता होना चाहिए। अगर मान लो log x to the base a है, you can write this as log x upon log a. log के तो यार आधे सी फॉर्मूले हैं, बहुत ही सिंपल है, you should go through the formula and it is very easy. This is y square into log 5 on log 3 into log 2 is equal to log 3 upon log 2 into log 5. Which cut rahe? Log 5 se cut rahe. Okay, ye idhar cross multiply hoga, ye idhar. Then we can write y square is equal to log 3 upon log का होल स्क्वायर। अब ये ऐसे ही है जैसे हम करते हैं ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 4 है, तो y इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस 2। इसका मतलब है y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्लस माइनस log 3 अपॉन log 2। लेकिन क्वेश्चन कहता है वाई इज अ नेगेटिव नंबर, सो वी नीड टू टेक ओनली नेगेटिव वाला केस। सो वी कैन राइट वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग 3 अपॉन लॉग। अब इसको बेसिकली वाइस वर्सा इस वाले फॉर्मूले से ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ, बिकॉज लॉग 3 अपॉन लॉग 2 को लॉग 3 टू द बेस 2 भी लिख सकते हैं। अब हम वाइस वर्सा कर रहे हैं, सेम फर्स्ट वाले फॉर्मूले से हम ये भी लिख सकते हैं, ये माइनस वन है ना, ये पावर इधर आ जाएगी, तो इट विल बी लॉग 3 की पावर माइनस 1 टू द बेस 2। 3 की पावर माइनस 1 क्या होती है, लॉग 1 बाय 3 द बेस 2। दैट शुड बी आवर आंसर इफ आई कैन फाइंड दैट ऑप्शन। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन।